नमस्कार दोस्तों, तो इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका लॉन्च डेट कब है और इसमें आपको किस तरीके का स्पेसिफिकेशन देने को मिलेगा और क्या प्राइसिंग हो सकता है, सभी का न्यूज़ यहाँ पे आ चुका है। चलिए आज की इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इन्फिनिक्स एक ऐसा स्मार्टफोन कंपनी है जो है तो इंडियन, लेकिन आपको जो है स्पेसिफिकेशन बेटर प्रोवाइड कराया जाता है काफ़ी कम प्राइसिंग में। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने इन्फिनिक्स नोट 10 सीरीज देखा होगा, उसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छे लेवल का देखने को मिलता है, प्लस में डिजाइन वगैरह भी काफ़ी इंप्रेसिव लेवल का है और डिस्प्ले भी बहुत बड़ा बड़ा देता है, लेकिन प्राइसिंग काफ़ी कम रखता है, इसलिए इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है। और इसका जो XOS है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़े बहुत इसमें ऐड आता है। हालांकि ऐड तो सभी UI में आते हैं, लेकिन XOS जो इन्फिनिक्स का UI है उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है, प्लस में एनिमेशन वगैरह भी उतने अच्छे लेवल का नहीं है। बाद बाकी स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे लेवल का निकालता है। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज आने वाला है इंडिया में, यह फोन आपको दिसंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है और स्पेसिफिकेशन किस टाइप का देखने को मिलेगा, चले इसके बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज के अंतर्गत आपको दो फोन देखने को मिलेगा, पहला होगा इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो, दूसरा होगा इन्फिनिक्स नोट 11। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 है इसका प्राइसिंग भी काफी बेसिक होने वाला है और स्पेसिफिकेशन भी काफी बेसिक लेवल का है, लेकिन इसमें आपको जो है डिस्प्ले के अंतर्गत काफी अच्छे इंप्रेसिव लेवल का चीज देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 होने वाला है, इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें यानी इन्फिनिक्स नोट 11 में कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको 180 का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्फिनिक्स नोट 11 है, इसमें आपको 50 MP का AI ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, मीडियाटेक का हेलियो G88 होने वाला है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी होने वाला है और 33 W का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो अभी जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया वो था इन्फिनिक्स नोट 11 का। अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो में आपको जो है प्रो लेवल का स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में 6.95 इंच का फुल HD प्लस 120Hz वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और प्लस में आपको अच्छा खासा टच सैम्पलिंग रेट भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको 64 MP का AI क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें 64 MP का मेन कैमरा है, फिर 13 MP का टेलीफोटो लेंस हो जाता है, उसका माइक्रो और डेप्थ का भी होने वाला है और 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और मीडियाटेक का हेलियो G96 होने वाला है। यहाँ पर अभी कोई भी इन्फिनिक्स की तरफ से 5G फोन नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी फोन है काफी इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिकेशन विशेषकर काफी इंप्रेसिव है, प्लस में आपको जो है लार्ज डिस्प्ले मिल रहा है वो भी एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये चीज़ें काफी इंप्रेसिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है इसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे लेवल का देखने को मिल रहा है कि एमोलेड डिस्प्ले है, प्लस में 120Hz का रिफ्रेश रेट है और कैमरा में भी आपको टेलीफोटो लेंस वगैरह दिया जा रहा है जो कि रियलमी वगैरह अभी नहीं देती है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके का स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड होने वाला है इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज में। दोनों फोन में आपको 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और 33 W का चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा और जो भी फोन है वो 4G फोन है, लेकिन स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे लेवल का है। और दोस्तों यहाँ पर जो डिजाइन वगैरह है वो भी काफी इंप्रेसिव है, आप यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह देख पा रहे हो जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि डिजाइन इसका काफी इंप्रेसिव लेवल का है और फ्रंट में जो नॉच है वो यू टाइप का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बाकी यहाँ पर जो डिस्प्ले एमोलेड लगा रहा है ये चीज काफी इंप्रेसिव हो जाता है, क्योंकि अदर कंपनी एमोलेड डिस्प्ले काफी कम यूज करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो रेडमी वगैरह अभी भी फोन लॉन्च करती है तो बिना एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन लॉन्च कर देती है। उसके बाद अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 है इसका प्राइसिंग आपको 13 या फिर 14 के आसपास होने वाला है और यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है इसका प्राइसिंग आपको 16 से 17 हज़ार में एक बेस ब्रांड को मिलेगा और बाकी जो भी ब्रांड होंगे वो आपको अंडर 20,000 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है और विशेषकर यहाँ पर जो ध्यान है वो डिस्प्ले और डिजाइन पर दिया गया है। तो बस आज की इस वीडियो में ही बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।